डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह पर हुए जानलेवा हमला करने व कराने वालों का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले के पीछे एक साथ कई साजिश सामने आई हैं। एक बड़ी साजिश यह भी कि महिला प्रोफेसर आरती भटेले ने डीन बनने के लिए डॉक्टर राजवीर सिंह को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा था। इसके लिए उसने अपने बिल्डर दोस्त अनिल बालियान की मदद से उधम सिंह के लिए काम कर चुके शार्प शूटर को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। प्रोफेसर आरती व एक शूटर नदीम अभी पुलिस पकड़ से बाहर है, जबकि उसके दोस्त बिल्डर अनिल बालियान, मुनेंद्र बाना व आशु चड्डा उप मोंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशु 9 फरवरी को दासना जेल से बाहर आया था और 11 मार्च को उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल 11 मार्च को डीन डॉक्टर राजवीर सिंह को पल्लवपुरम में डबल रोड पर उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जब वह विश्वविद्यालय से घर लौट रहे थे। हेलमेट लगाए बाइक सवार 2 हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आज मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को इस आशय की जानकारी दी। प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को यह बताया। ये यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय, उसमें 11 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें एक प्रोफेसर साहब हैं, डीन है डिपार्टमेंट के, वेटनरी डिपार्टमेंट के, वहाँ उनको गोली लगी थी। अभी वो हॉस्पिटल में है, हालांकि खतरे से बाहर है, और इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। जो भी हमारे पास अवेलेबल संसाधन है, इसके माध्यम से ट्रेस करते करते हम लोग 2 शूटर का नाम इसमें प्रकाश में आया। एक के ऊपर 22 मुकदमे, जब उनको पकड़ा गया तो उसमें एक रिश्तेदार है प्रधान, उसका नाम आया। हम लोगों ने CCTV फुटेज भी इसमें खंगाले, तो प्रधान और इनका लिंक इस्टेब्लिश हुआ, जिसके कुछ छोटे समय मिले। और फिर आगे का फुटेज देखा गया तो प्रधान और एक अनिल नाम का व्यक्ति सामने आया। अनिल इसमें मेन जो सारा चीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं वो था, और अनिल जो है वो यूनिवर्सिटी में एक महिला प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके इलिसिट रिलेशन थे। वो भी डीन बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई थी। कई चीज़ें इसमें शामिल थी। एक तो ये मोटिव था कि वो डीन नहीं बन पाई थी इनकी वजह से, उनका कहना था कि ये जूनियर हैं, और साथ में ये भी था कि अनिल का रिलेशन था वो विडो थी, इनकी अनिल की एक बेटी है वो भी वहाँ टीचर बनना चाह रही थी। कई चीज़ जो होता है वो इसमें मोटिव का कारण बनी, और ये भी निकल के आया कि राजवीर जो जिनको गोली लगी है उन्होंने अनिल के यहाँ शिकायत कर दी थी कि इन लोगों के एसोसिएशन, तो अनिल की पत्नी भी छोड़ के मायके चली गई। इस तरह के कई 3-4 ऐसे कारण बने जिसकी वजह से इन लोगों ने प्लान किया कि रास्ते से हटाए थे, उससे कई फ़ायदे भी होते, और इसको शूटर के माध्यम से, जिसमें ग्राम प्रधान भी अभी शामिल है, एग्जीक्यूट किया गया इस पूरे प्लान को। और पुलिस ने इसमें मेहनत करके शूटर को पकड़ लिया, प्रधान को पकड़ लिया, अनिल को पकड़ लिया, बाकी एक शूटर फरार है। और जो इसमें कॉलेज की राजनीति तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं इन्वेस्टिगेशन का विषय, परंतु एक विशेष व्यक्ति का इसमें कॉलेज का ही है जिनका इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्टर आरके भटेले जो है वो जो अनिल है उनसे संबंध थे इनके, वो उन्होंने अप्लाई भी किया था वहाँ, डीन नहीं बन पाई थी, ये डीन बन गए थे जिसको गोली लगी है। और अनिल को ये लगता था कि जो प्रोफेसर जिनको गोली लगी है उन्होंने उनके संबंधों के बारे में उनकी पत्नी को बता दिया था, पिछले 3 साल से वो यहाँ रह भी नहीं रही है, झगड़ा बहुत बढ़ गया था। तो ये कई कारण बने जिसकी वजह से ये दोनों साथ में आए और इस तरह का चीज़ किया। इसकी प्रॉपर अलिबाई भी तैयार की गई, दोनों जो आरती भटेले हैं वो और ये अनिल, दोनों जो शामिल थे, ये घटना के समय एक मॉल में जा करके दोनों लोग साथ में शॉपिंग कर रहे थे, ताकि एक अलिबाई तैयार कर सके कि ये अगर कहीं नाम वाम उनका आता है कि मैं तो वहाँ पर थी। तो पूरा वेल प्लान तरीके से था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, सारी चीज़ें इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो सारी चीज़ों को अगर इन्वेस्टिगेट किया गया तो सारी चीज़ें मिली। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन, इसमें 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें 1 लाख पहले दिए गए थे, 4 लाख बाद में दिए गए थे, उसमें से जो बाद में पैसे दिए गए थे वो सारे के सारे पैसे रिकवर हुए 4 लाख रुपये सुपारी वाले शूटर के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।